like a Hellcat. हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड वीसी व्लॉग्स बैक हेयर विद अनदर वीडियो। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है अपनी हेडलाइट कैप के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस बुलेट में BS6 मेरी बुलेट है, ये स्टैंडर्ड में जो कैप नहीं आती है, हेडलाइट की जो कैप आती है ना, क्लासिक में रहती है, तो मैं आज वो लेके आया हूँ। इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसकी सिंपल सी लुक थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैं आज कैप लेके आया था। इसमें एक स्टेनलेस स्टील की, तो यहाँ से यहाँ तक लग जाएगी इतने में, तो मैं आज वो लगाने वाला था। मैं सोचा एक वीडियो बना ही ली जाए इसके ऊपर भी। तो दोस्तों, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कैसे लगेगी अपनी कैप हेडलाइट की। तो चलिए, मैं पहले से निकाल के लेता हूँ हेडलाइट को, और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। इस वीडियो को इन्जॉय करिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और जिन जिन भाइयों को लगानी हो ऐसे करके वो लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में नहीं आती, क्लासिक में तो आती है, मेरी स्टैंडर्ड है अपनी BS6। तो चलिए, मैं इसको निकाल के ले लेता हूँ और ऊपर चल के आराम से इंस्टॉल करते हैं। पहले आप इसकी बिना कैप के लुक देख लो, कुछ ऐसी लुक है इसकी, ऊपर से देख लो। तो चलिए अब लगाते हैं। भाइयों, आपको ये हेडलाइट कैसे खोलनी है बता दे, तो पहले आपको ये चार मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर लेना, थोड़ा टाइट ही रहता है बोल्ट, ढीला करना आपको, पूरा नहीं खोलना। देख लो, जैसे ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ता रहेगा इसमें, फिर आपको ये पतले वाले मुंह का ये लेना है। इसमें एक क्लिप रहती है ऊपर, निकल गई बाहर। अब इसमें नीचे भी एक क्लिप होती है, उसमें आराम से देख के निकालिएगा। ये देखो, ये बाहर आ गया। मैंने इसमें LED बल्ब लगा रखा है, इसकी भी एक अलग नई वीडियो लाऊंगा मैं थोड़े दिन में। तो दोस्तों, इसका आप ये ऐसे निकाल लो, और ये जो पार्किंग बल्ब है आप इसे डायरेक्ट एज इट इज़ बाहर निकाल लो। तो ये सिंपल था। तो चलिए, अभी इसे ऊपर लेके चलता हूँ और मैं इसमें कैप लगाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसकी एक क्लिप निकाल के देख ली थी कि आराम से निकल रही है नहीं निकल रही। ये है अपनी हेडलाइट की कैप, ये पूरी स्टेनलेस स्टील की है, और इसमें ना काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। एक में रॉयल इनफील्ड लिखा होता है, फॉर रॉयल इनफील्ड। मुझे और मेरे ब्रदर को प्लेन पसंद थी, तो मैं इसमें प्लेन ही लाया। देख सकते हो आप इसकी शाइन, क्या मस्त शाइन है। और ये स्टेनलेस स्टील की है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है मुझे 70 रुपीज़ पड़ी है। ऑनलाइन मार्केट में ये 80 रुपीज़ की भी है, 100 रुपीज़ की भी है। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, जिन जिन भाइयों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका लिंक अपना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट सब पे ये अवेलेबल है। डिलीवरी चार्ज इसको लगता है एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी क्लिप और दिखाता हूँ। मैंने एक क्लिप निकाल ली, ये मैंने यहाँ से ही कहीं से निकाल ली थी, यहाँ से, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का देख लेने कहाँ से निकाली आपने, कहाँ से नहीं निकाली, ये तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये निकलेगी कैसे दोस्तों, पहले आप ये देखिए, मैंने इसमें C6 LED बल्ब लगा रखा है जुगाड़ से, थोड़ा इसको ना ही देखे तो अच्छा। तो आप इसकी जो लेफ्ट ये ऐसा फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर ले लें, इसके इस तरफ को ना थोड़ा सा पुश करें, ये अपने आप निकल जाएगी। थोड़ा आराम से देखें, क्योंकि ये ना झटके से निकलती है, ये आँख वाँख में ना लगे, आइज वाइज में, तो ध्यान से निकाले इस चीज़ को, ऐसे निकलेगी ये, देख सकते हो आप। और ये सारी क्लिप सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सी कहीं पे भी लगा सकते हो, सारी बराबर। आप इसको एक साइड से निकालोगे ना, इस साइड से ही अपने आप निकल जाएगी। इसको निकालना ज़्यादा आसान है, लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लगाएंगे भी किसी ना किसी। तो देख सकते हो आप, निकल गई ये अपनी हेडलाइट। दोस्तों, थोड़े टाइम में हो सकता है कि मैं इसमें ना प्रोजेक्टर वाली LED लाइट भी लगाऊँ। आप इसका देख सकते हो, ये जो चीज़ होगी ना, ये हमेशा नीचे की तरफ आएगी, ये वाला जो पॉइंट है, और ये जो क्लिप्स ही है ना, ये ऊपर की तरफ है। ये देख सकते हो आप, ये निकल चुकी है अब अपनी लाइट, पीछे की तरफ को निकलेगी ऐसे करके। ये देखो, अलग हो गई इससे थोड़ा आराम से। तो ये देख सकते हो आप, ये इसकी रिंग निकल चुकी है, और इसकी रिंग में अब लाइट की कैसे लगानी है मैं भी ये भी बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, इतनी डिटेल में तो मुश्किल ही किसी ने लगा के बताई होगी, मैं एक बार कट नहीं मारूंगा वीडियो में। ये सारी गलती से मैंने नीचे की तरफ, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट सा गोल गोल सा, ये ऊपर की तरफ रहता है, और ये जो है ना, ये हमेशा नीचे की तरफ रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान दें, ये ऐसी कुछ लुक आ रही है, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इससे। देख
सकते हैं आप लोग। चलिए अब इसमें लाइट लगा के देखता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अब मैं इसमें लाइट लगाता हूँ एक बार। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें क्लिप लगा के अभी सिर्फ दो ही क्लिप लगाई है और इसकी जो हेडलाइट है ये जो कैप है ये लगा लिए, थोड़ा प्रॉब्लम करा इसने क्रिएट। तो इसमें आपको आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले ना एक क्लिप यहाँ की लगा लेना और उसी की ना जस्ट थोड़ा सा आगे की ना लगा लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो ओनोमीटर नीचे का एरो बना हुआ है ना ये इससे ठीक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, आपको दिख रहा हो ना ये इधर उधर जाएगी तो फिर बिगड़ जाएगी बात। तो पहले आप दो क्लिप लगा के इसे सेट कर लेना अच्छे से, इधर उधर का देख लेना कि सेंटर में हो, फिर आप और क्लिप्स लगा सकते हो अपनी मर्जी से। ऐसे करके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी भाई इन क्लिप्स ने, लेकिन ठीक है हो गई थी। तीस में टोटल भाइयों छः क्लिप्स हैं देख सकते हो आप। ऐसे करके आप लगाओगे ना इससे थोड़ा सा अंगूठे से करो, थोड़ा सा ऐसे करो फिर ये लग जाएगी। इसने भाइयों मेरे अंगूठे में भी चोट मार दी है। तो पहले मैं आपको लगा ही देता हूँ, देखो पहले मैं लगा ही लेता फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाइयों जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सारी क्लिप्स मैंने लगा दी है, छः की छः क्लिप्स इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो चुकी है फिट, और देख सकते हैं आप इसकी फिटिंग क्या जेन्युइन फिटिंग आई है, बिल्कुल जैसे क्लासिक में लाती है, लग नहीं रहा कि ये स्टैंडर्ड की लाइट है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो ये देख लो, ये मैंने पैरेलल ज़्यादातर पैरेलल लगाई है क्लिप्स, इससे ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। ये देख लो अपनी कैप की लुक ऐसी कुछ है। तो चलिए अभी इसे अपनी बाइक में लगाते हैं और इसकी ओरिजिनल लुक देखते हैं। फिर नीचे आ गए हैं, इसमें मैं पार्किंग बल्ब लगाता हूँ सबसे पहले नीचे की तरफ, थोड़ा अंधेरा हो गया और इसे मैं कपलर टू कपलर प्लग इन कर देता हूँ। तो भाई अगर आप एलईडी का रिस्पांस पूछें तो मेरी एलईडी का ये सही है अभी तो रिस्पांस, इसकी भी अलग वीडियो आ जाएगी। तो इसको नीचे की क्लिप लगा दी मैंने और ऊपर की क्लिप लगाते हैं। क्लिप लग गई अपनी नीचे की भी, ऊपर की क्लिप भी लगा दी है। इसका लॉक लगा के भाइयों अपना ऊपर का जो पीच है इसे टाइट कर देंगे। और भाइयों कैप लग गई अपनी। चलिए अब मैं बाहर चल के इसका दिखाता हूँ, देखो इसकी फाइनल लुक, ये क्या मस्त लुक आ रही है अब अपनी बुलेट की, शाइन मारती हुई टोपी है ऐसी कुछ लुक आ रही है। और मैंने इसका हैंडल थोड़ा सा और डाउन कर दिया कंफर्ट लेवल के लिए। देखो भाई क्या मस्त लुक आ रही है पीछे से देखने पे, इसको ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हो भाई आप 70-80 रुपीज़ में अपनी बाइक की लुक एनहांस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी बढ़िया फिटिंग आई है बिल्कुल। होता तो भाई ये शो के लिए ये क्या उसका एक पॉजिटिव तो बस छोटा सा आप ये कह सकते हो कि जब आप बैठे हो ना सीट पे तो ऊपर को आपको लाइट नहीं लगेगी हेडलाइट की, और कुछ इसका फ़ायदा नहीं है, बस लुक का ही है भाई जो भी है। अब इसको एक बार मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ऊपर की लुक भाई ऐसी है कुछ। तो भाई ये इस वीडियो में बस इतना ही है, आज की इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। कैसी लगी भाई अपनी ये टोपी कैप
कमेंट करके बताइएगा। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।